नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जिस ऑर्डर का इंतज़ार था वो ऑर्डर कुछ देर पहले आ चुका है। और आपको बता दें कि जो तमाम लोगों को ये चिंताएं जता रही थी कि उनके अपने घर में या फिर और रिश्तेदारों के घर में शादी है, जो लोग इस न्यूज़ को लेकर कंसर्न थे, इस बात को लेकर जिनका कंसर्न था, उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लगा है। जो ट्वीट LG जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया था उसमें ये बात इस बात का जिक्र नहीं था, जिसके बाद जिनके घर में शादियां हैं या उनके रिश्तेदारों की जो चिंताएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन अब इस पर विराम लगा है और न्यू जो इसके मार्फत जो ऑर्डर है वो आ चुका है। और आपको बता दें कि इस ऑर्डर के मुताबिक एक रिव्यू हुआ है, डिटेल्ड रिव्यू हुआ है करंट कोविड सिचुएशन को लेकर। उसके बाद जो जो फैसले लिए गए हैं वो आपको बता दें। जो कोरोना कर्फ्यू की बात थी वो हमने आपको पहले बता दी थी, एक बार फिर आपको बता दें कि कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू शैल बी इम्पोज्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज 8 बजे से शुरू हो गया था और परसों सुबह 6 बजे तक वो जारी रहेगा। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या क्या रियायतें रहेंगी, कौन कौन लोग जो हैं मूवमेंट कर सकते हैं वो आपको बता दें, और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो इस दौरान जो है लोगों को मिल सकती हैं। इसमें साफ तौर पे ये लिखा है, जिसका जिक्र पहले भी किया गया था, कि एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज, ये पहले भी हमने आपको बताया था। लेकिन इसके अलावा जो बात लिखी गई है वो आपको बता दें कि इसमें जो पूरी लाइन लिखी गई है, एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज मूवमेंट वर्क एंड शेड्यूल्ड मैरिजेस अप टू परमिसिबल गैदरिंग नॉर्म्स शैल रिमेन एग्जेम्प्टेड, यानी कि इन तमाम चीज़ों को इस कोरोना कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या एसेंशियल सर्विसेज हैं या फिर जो पहले से डिसाइड शादियां हैं जो कि कल होंगी या फिर आज भी कुछ फंक्शंस हैं या फिर आगे, क्यों चूँकि परसों तक ही ये जो कोरोना कर्फ्यू है रहेगा सुबह, उसके बाद क्या ऑर्डर निकलेगा उसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। क्या इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा या फिर परसों सुबह ख़त्म कर दिया जाएगा। कल का दिन जो लोगों के लिए चिंता की बात थी कि जो शादियां हैं वो किस तरह से होंगी, तो आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पे लिखा है एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज मूवमेंट वर्क एंड शेड्यूल्ड मैरिजेस अप टू परमिसिबल गैदरिंग नॉर्म्स, यानी कि जो गैदरिंग नॉर्म है, जैसे कि जो बाहर शादी आउटडोर में होगी उसमें 100 की जो गैदरिंग है उसे अलो किया गया है, और जो इंडोर में कोई फंक्शन अगर होता है तो उसमें 50 की गैदरिंग को अलो किया गया है। तो ये जो गैदरिंग नॉर्म्स हैं इन्हें अपनाना होगा और इनके मुताबिक ही जो पहले से निर्धारित जो शादियां हैं उसमें लोग शामिल हो सकते हैं और वो शादियां होंगी। इसके साथ ही जो लोग शामिल होंगे उन्हें क्या दिखाना होगा, उनके लिए क्या जरूरी होगा, तो आपको बता दें कि सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वेडिंग कार्ड्स ID कार्ड एक्स्ट्रा, यानी कि उन्हें जो वेडिंग कार्ड्स हैं वो दिखाने होंगे, जो ID कार्ड हैं अपने वो दिखाने होंगे, जिसके बाद वो शादी समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जो गैदरिंग नॉर्म्स हैं उन्हें अपनाना होगा। किसी भी समारोह में अगर 100 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, जो आउटडोर कोई फंक्शन अगर हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और इसके साथ ही जो इनडोर कोई अगर कार्यक्रम हो रहा है, समारोह हो रहा है, कोई शादी का समारोह है, तो 50 लोगों की अनुमति ही दी गई है। तो इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जो वेडिंग कार्ड्स हैं, जो आई कार्ड्स हैं, ID कार्ड्स हैं, वो दिखाने होंगे, और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे इशू पॉसिस वेन एवर नेसेसरी, यानी कि जब ज़रूरत होगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कंसर्न होंगे, जैसे कि DC रियासी जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिन्हें भी कहा जाता है, वो ज़रूरत के हिसाब से पासिस भी इशू कर सकते हैं। तो ये उन लोगों की चिंताओं पर अब कहीं ना कहीं विराम लगा है, जो कोरोना कर्फ्यू की खबर सुनने के बाद जो काफ़ी टेंशन में आ गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें अब राहत की सांस उन्होंने ली होगी कि जो वेडिंग कार्ड्स हैं या फिर ID कार्ड्स हैं, ये दोनों दिखाने के बाद जो हैं वो लोग शादी समारोह में जा सकते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो भी पासिस जो है इमरजेंसी में सुविधाओं के लिए वो भी पासिस जो हैं वो जारी कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बातें हैं इसमें लिखी हुई, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को लेकर भी इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो हम आपको एक बार फिर बता दें कि शादी समारोह को लेकर जो लोग काफ़ी चिंता में आ गए थे कि अब किस तरह से जो शादी का समारोह है वो होगा, या जो रिश्तेदार थे
उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चिंता जता रही थी कि वो किस तरह से शादी में जाएंगे। तो शादी में जाने के लिए जो वेडिंग कार्ड्स हैं, जो आईडी कार्ड दिखाकर वो शादी में शामिल हो सकते हैं या फिर जो उनकी मूवमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये कल परसों सुबह तक ही ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा, उसके बाद क्या नया ऑर्डर आता है, क्या आदेश आते हैं, वो जैसे ही जानकारी हमारे तक आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो मूवमेंट वर्क हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, असेंशियल चीज़ें हैं, उनकी जो इन चीज़ों से जुड़े इमरजेंसी सर्विसेज या असेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो लोग हैं वो उनकी मूवमेंट भी होगी, क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हैं। जैसे मेडिकल, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अगर किसी को आती है तो वो अस्पतालों में वो लोग जा सकते हैं, सेंटर्स में, वो हेल्थ सेंटर्स में वो लोग जा सकते हैं। इसके साथ ही जो ज़रूरी सामान होता है, असेंशियल सर्विसेज, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो असेंशियल सर्विस में आती थी, तो वो जो चीज़ें हैं, वो सामान जो है वो लोगों को, वो जो सर्विसेज हैं वो मिलती थी, तो वो चीज़ों के लिए लोग मूवमेंट जो हैं वो कर सकते हैं। तो एक बड़ी खबर यही आ रही है कि जो मैरिजेस को लेकर, जो और फंक्शनों को लेकर जो चिंताएं लोगों के मन में थी, कहीं ना कहीं अब उन्हें विराम लगा है। जो इनविटेशन वेडिंग कार्ड्स हैं वो दिखाकर या आईडी कार्ड्स दिखाकर लोग अब शादी समारोह में हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें इस ऑर्डर में लिखी गई हैं, तो आपको बता दें कि ये ऑर्डर हम इस कवरेज को ख़त्म करने के बाद पोस्ट भी कर देंगे और आप इस तमाम जो इस ऑर्डर में चीज़ें लिखी गई हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं। तो रियासी के बस स्टैंड के ये लाइव विजुअल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं, पुलिस के जवान भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और जो भी मूवमेंट है कहीं ना कहीं उन्हें घर जाने के लिए कहा जा रहा है। इस ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण बात जो और लिखी गई है वो आपको बता दें कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें शामिल हैं, उनमें जो स्टाफ हैं आपको बता दें कि उन्हें 50% किया गया है। यानी कि ये आपको पूरी लाइन पढ़कर एक बार बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल एजुकेशन एक्स्ट्रा, अटेंडेंस ऑफ स्टाफ इन पर्सन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ओनली। ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस शैल डिवाइस रोस्टर्स टू एंश्योर दिस। यानी कि रोस्टर बनाना होगा और ये 50% जो टीचर्स हैं वही अब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। तो दो मुख्य बातें थी इस ऑर्डर में। शाम को कोरोना कर्फ्यू के जो ट्वीट जम्मू कश्मीर के एलजी द्वारा किया गया था, उसके बाद ये ऑर्डर अब कुछ देर पहले जो है सामने आया है और इसमें जो मुख्य बातें लिखी गई हैं वो हमने आपको बताई। जो भी शादियाँ हैं जो पहले से निर्धारित हैं कल के दिन, उन्हें अलो किया गया है, या फिर आज जो भी समारोह हैं उन्हें अलो किया गया है। इसके साथ ही जो लोग इन शादियों में जा रहे हैं उन्हें वेडिंग कार्ड्स दिखाने होंगे और 50% जो स्टाफ हैं वो अब स्कूल, कॉलेजेस
और यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि जो 100% स्टाफ जाता था, लेकिन जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर जिनमें बच्चे नहीं आते थे, स्कूलों में भी छुट्टियां की गई हैं, लेकिन स्टाफ जो है वो पूरी मात्रा में आता था, लेकिन अब उन्हें 50% स्टाफ को ही आना होगा और इसके मार्फत जो वहाँ की मैनेजमेंट रहेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उन्हें रोस्टर बनाना होगा। इसके अलावा भी कुछ बातें जो हैं इस ऑर्डर में लिखी गई हैं, वो कुछ देर बाद इस ऑर्डर को हम अपलोड करेंगे, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।